राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सारे भाइयों को। तो आज हम अपनी बुलेट लेकर के आ चुके हैं बाइकर्स हब हल्द्वानी में, और आज उसमें लगवाएंगे रूट्स के हॉर्न। तो आज हम आ चुके हैं अपने रमन भाई की दुकान पे बाइकर्स हब हल्द्वानी में, जो कि वन स्टॉप शॉप है बुलेट और सभी प्रकार की बाइक्स के लिए, जहाँ पे सभी प्रकार की बाइक की एक्सेसरीज मिल जाती है और सर्विस हो जाती है और मेजर से मेजर काम भी हो जाते हैं। तो ये शील्ड है, ये देखिए ये चीज है। अब सबसे पहले आपको ये हॉर्न चेंज करने के लिए इसका चेसी का ये वाला बोल्ट चेंज करना पड़ेगा। तो इस हॉर्न को लगाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए इस टाइप की एक जेड पत्ती, जो कि समीर भाई ने अलग से बनवाई है और पेंट भी करके रखी है हमारे लिए। अमन भाई से पूछेंगे एक्सेसरीज के बारे में, जो कि मेरे सामने है बुलेट की एक्सेसरीज में हेडलाइट्स। और रमन भाई, ये जो हेडलाइट्स के पैटर्न में देख पा रहा हूँ, ये इन्हें कुछ अलग अलग पैटर्न्स बोलते होंगे जितना मुझे पता है। अलग अलग पैटर्न्स हैं, सब अलग अलग वाट में है। ये है 70 वाट, ये 90 वाट है, और ये दोनों 110 है, ये भी 110 है। अच्छा, इनमें फर्क ये होता है आपको, जैसे ये लाइट है ये 70 वाट की लाइट है, लेकिन कहीं लिखा नहीं होता इसमें कितने वाट की लाइट है। तो किसी को पता ही नहीं चलेगा 70 वाट की कौन सी है, 110 वाट की कौन सी। 110 वाट के बोल के 70 वाट भेज रहा है मार्केट में, ये चीज चल रही है। तो अगर आपको चेक करनी है लाइट की थ्रो कैसा है, लाइट लो आप सामने फोकस में मारो, अपनी आंखों में फोकस मारो, अगर आंखों में मारने का ब्लैकिश पन ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ब्लैकआउट हो रहा है थोड़ा सा, जो कि लाइट बहुत तेज है, जैसे ये तीन लाइट सबसे तेज है। और बेस्ट लाइट कहोगे तो ये दो लाइट सबसे बेस्ट है, इसमें 6 मंथ की वारंटी आती है, 110 वाट है, इसमें भी 6 मंथ की वारंटी है, लेकिन इन तीनों को लेके चलोगे तो इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है। अच्छा, तो ये अलग अलग ब्रांड्स में आती हैं या सभी इंडिया में ही आके ब्रांड चिपकते हैं, कुछ ऐसा होता है? होता है इंडिया में ही है, कुछ चाइना से भी इम्पोर्ट होता है, लेकिन अब इंडिया ने इतनी तरक्की तो कर ली है, मेरे को लगता है कि अपना बना रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं दे पा रहे हैं लोग अभी। अच्छा, जैसे कि अभी ये है आरबी कंपनी है, ये इंडियन कंपनी ही है, यही कंपनी है ये वाली जो 6 मंथ की वारंटी दे रही है, बाकी ये दोनों जो है ये ओस्ट्रॉन की चिप लगी हुई आ रही है, इसलिए इसमें भी 6 मंथ की वारंटी। अच्छा, मेन चीज होती है इसमें चिप, चिप जो लगी है इसमें उसी की वारंटी होती होगी शायद, पूरी लाइट की वारंटी है, क्योंकि रिपेयर तो ये होती नहीं है। अच्छा, खराब होगी तो चेंज एक्सचेंज होगी। अच्छा, और रही ये एचजेडी का, आपने नाम तो सुना ही है। जी बिल्कुल, ये तो सबसे ज्यादा है। तो ये एचजेडी की लाइट है आपकी, इसके पीछे ब्रांडिंग यहाँ पे रहती है एचजेडी। अच्छा, ये यहाँ पे एचजेडी की लाइट है, तो ये एचजेडी की ब्रांडिंग है, डुप्लीकेसी बहुत है, ये आप देखोगे तो हल्का सा अंदर को होगा, तो ये एचजेडी ओरिजिनल है आपका। अच्छा, अब मेन कपड़ा देख के बदलता है चीज ओरिजिनल है या नहीं, हल्की क्वालिटी होगी तो ऑब्वियसली ये हल्की क्वालिटी है, ओके, देख के बदल जाएगी हल्की क्वालिटी। तो और क्या क्या चीज़ें अपने पास जो बुलेट से रिलेटेड है, क्योंकि मैं एक्चुअल में एक बुलेट एंथुसियास्ट हूँ और बुलेट की ही वीडियोस ज़्यादातर बनाना प्रेफर करता हूँ, तो आप मुझे बताएं बुलेट का और क्या क्या सामान होगा। बुलेट का मेरे पास अमेरिकन लाइट मिल जाएगी, जैसे आजकल ये स्टैंडर्ड बहुत चल रही है इस समय, पंजाब से चलती है, तो पंजाब का लाइट जो आता है रुद्रपुर में आता है, तो रुद्रपुर इस समय बहुत लाइट बिक रही है, तो अपने यहाँ के भी लड़के लोग लगवा रहे हैं। अच्छा, अमेरिकन लाइट, बाकी इसके अलावा मेरे पास फॉग लाइट्स पड़ी हुई हैं, जो कि एचजेजे की हैं, एचजेजे की फॉग लाइट्स सारी पड़ी हैं मेरे पास, आउट से लेके बड़ी छोटी सारी बड़ी हैं। अच्छा, सिमटेक का सभी प्रकार का सामान रखते हैं, चार्जर हो गया, ये सिमटेक होल्डर है, ये अपना ये होल्डर भी चार्जर है, ये हैलाइट हो गए, इसके ये इसके बल्ब हो गए, जो एलईडी बल्ब आते हैं 3 ईयर वारंटी। अच्छा, 550 रुपये के बल्ब है, इसमें आपको 3 साल की गारंटी, 4 बल्ब है, 3 साल की गारंटी, कोई भी इंडियन कंपनी कुछ भी नहीं देता, ये इंडियन है। सिमटेक जो है वो इंडियन है, इसमें वारंटी वगैरह सब है। और इवन आपको बुलेट के लिए एक चीज़ बताओ, ये मेरे पास बल्ब है सिमटेक के, अच्छा, इसमें 1 साल की गारंटी है, और ये बल्ब जो पार्किंग की छोटी छोटी लाइट्स होती हैं हर 30 महीने में खराब होती हैं, चाइनीज लोग लेते हैं 30 रुपये 20 रुपये, बिल्कुल ये बल्ब दीजिए आप 1 साल की गारंटी मिलेगी इसमें हमें बहुत अच्छी। ये किस कलर में, व्हाइट होता है, ब्लू होता है, मिल जाएगा आपको मेरे पास, ब्लू भी मिल जाएगा, अंबर कलर। अच्छा, इसमें तो जो कलर आपको चाहिए वो मिल जाएगा। बुलेट की सभी प्रकार की एक्सेसरी अपने पास। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ अपनी दुकान में इतने सारे इतने अच्छे अच्छे हेलमेट्स वगैरह सब है, बट अभी मेरे को कहीं पे भी अलॉय व्हील्स नहीं दिख रहे, क्या आप अलॉय व्हील्स में डील नहीं करते? अलॉय व्हील्स में डील करते हैं, लेकिन मार्केट में डिजाइन इतने हो गए हैं, पैसे कुछ उसमें ऑन ऑर्डर ही मंगाना पसंद करते हैं, मंगाना पड़ता है, मेन डिजाइन है, तो इससे कस्टमर का थोड़ा ही आता है, इसमें क्रोम है, इसमें ब्लैक है, तो हमने मंगाना बंद कर दिया। तो इसको जो चाहिए आप आज ऑर्डर लगाओ, आपको तीसरे दिन हम आपको अलॉय दे देंगे। अच्छा, जो ऑर्डर पे हम मंगाएंगे वो आप तीसरे दिन आप हमें दे देंगे, और देंगे पराडो का अलॉय, राडो इराडो को अलॉय नहीं देंगे। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ साई पराडो में ही डील करते हैं आप। अच्छा, ये हॉर्न्स भी हैं अपने पास, हॉर्न मेरे पास सारे पड़े हैं अपने पास, रूट्स वगैरह सब मिल जाता है, रूट्स तो आपने मेरी में ही लगाया है, रूट्स मैंने लगा दिया है, मेरे पास हिला का मिल जाएगा, अगर कोई कहता है मेरे पास ब्लैक कलर की बाइक है, मैट ब्लैक, तो
हालांकि 590 जी, बाकी मार्केट में जो बिकता है ये सबसे ज्यादा मिलता है D95। आपके यहाँ पे जो मेन है वो सर्विस है, जिसकी वजह से आप पिछले एक दो साल में इतने आगे तक आए हैं। इतने पुराने पुराने गैराजेस को पीछे करते हुए आप इतनी जल्दी आगे कवर अप किया, इतना बड़ा गैराज बनाया है बाइक का, जो कि मेरे ख्याल से हल्द्वानी में नहीं है। हल्द्वानी में इतना बड़ा बाइक गैराज तो नहीं है। पर्सनल हो गया, सर्विस हो गया, रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस सब ही है अपने पास। अच्छा, सिरेमिक वगैरह भी आप कितना कॉस्ट होता है सर सिरेमिक का? भैया जैसे हायाबुसा है तो उसका अभी हायाबुसा ने रिसेंटली कराई थी तो उसका 6000 रुपए के आसपास खर्चा आया था। हायाबुसा का आपने 6000 कॉस्ट की कॉस्ट हुआ था उसका कॉस्टिंग आई थी। और अगर आप रॉयल एनफील्ड बुलेट लेके आते हो तो उसका नियर अबाउट 45 to 5000 के बीच में आएगा। तो ऐसा क्यों हायाबुसा जितनी बड़ी गाड़ी का सिर्फ 6000 और बाइक बुलेट जैसी बाइक का 5000? काम उतना ही रहता है उसमें। अच्छा, मतलब फाइबर पार्ट उसमें ज्यादा है तो हायाबुसा में इसलिए ज्यादा थोड़ा खर्चा आता है। थैंक यू। तो आज हमने रमन भैया से काफ़ी बात करी। अब सबसे पहले आपको ये हॉर्न चेंज करने के लिए इसका चेसी का ये वाला बोल्ट चेंज करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा बड़ा बोल्ट लगेगा, 1 इंच बड़ा बोल्ट लगेगा क्योंकि इसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी हैं। इसलिए सबसे पहले ये याद रखिएगा, हॉर्न के साथ आपको रिले वायरिंग और एक ये बड़े बोल्ट का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। इसको चाहिए इस टाइप की एक जेड पत्ती, जो कि समीर भाई ने अलग से बनवाई है और पेंट भी करके रखी है हमारे लिए। और समीर भाई अभी कर रहे हैं वायरिंग का कनेक्शन। और यहाँ पे एक लगेगी रिले आपकी। और इस पत्ती की जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा वो इसलिए है क्योंकि इस तरफ में जो हॉर्न लगेगा उस तरफ में आपके साइलेंसर का कैटेलिटिक कन्वर्टर ने काफ़ी जगह घेरी हुई है, जिसकी वजह से इस पत्ती से उसको थोड़ा सा बाहर किया जाएगा। अभी बाकी की बात है, आपको समीर भाई बताएंगे हॉर्न को लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। समीर भाई क्या क्या चाहिए इसके लिए? एक रिले चाहिए, हॉर्न की वायरिंग चाहिए और बाकी की कला चाहिए जो समीर भाई के पास है लगाने की। अब रमन भैया खुद ही आ चुके हैं बाइक में हमारी है। रूट्स वालों से मेरा निवेदन है कि इस पत्ती को चेंज करके बुलेट BS6 वाली के लिए ये एल बैंड में पत्ती बना करके ज़रूर दें, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे कुछ इस प्रकार की पत्तियां बनवानी पड़ती हैं हम लोगों को। और फिर वाइब्रेशन से बचने के लिए ये लोग कुछ जो मैकेनिक है ना, ये देखो कैसे कैसे जुगाड़ करते हैं, कोई रबड़ काट के लगा रहा है, कोई कुछ काट के लगा रहा है ताकि वाइब्रेशन ना हो। तो इसलिए रूट्स अब कुछ इस तरह से दिख रही है ये लेफ्ट साइड से अपनी बाइक। रूट्स का हॉर्न इसमें लगने के बाद काफ़ी छोटा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये काफ़ी बड़ा हॉर्न है। आप देखिए चलो समीर भाई चेक करो अब हिल रही है कि नहीं। ये बाइक स्टार्ट करने के बाद वाइब्रेशन बहुत कर रहा था हॉर्न, अब काफ़ी हॉर्न का जो वाइब्रेशन है कम हो गया है। और ये है इसकी परफॉर्मेंस, बहुत ही शानदार। तो रमन भी ये सारी चीज़ें सिर्फ चाइना से ही बन के आती हैं, कुछ और कंट्रीज भी हैं जो इन चीज़ों में डील करती हैं? ये बाइक के आगे लगने वाली विंडशील्ड है जिसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी है कि भैया ने इतना ज्यादा टिंटेड फ्लाई स्क्रीन कंपनी है, ये मेड इन ताइवान है। अच्छा जी, मेड इन ताइवान है, तो ये अनब्रेकेबल है। ये देखिए, तो ये और कंपनियों से महंगी भी होती होगी? रॉयल एनफील्ड की मेरे ख्याल से 2200 या 2500 रुपए की है, ये आपको पड़ती है नियर अबाउट 1400 कुछ ऐसी पड़ती है। ये 1400 की है जो मेड इन ताइवान है, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल है क्योंकि रॉयल एनफील्ड की भी टूट जाती है वो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है और क्लैम सब कुछ आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ इसको लगाने के सभी टूल्स वगैरह इसी के साथ है? अगर आपको चाहिए तो कोरियर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आप आराम से लगा सकते हो, कोई ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं वीडियो में नीचे भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गूगल मैप पे आपको एड्रेस दे दूंगा ताकि आपके लिए इजी रहे। तो भाइयों हॉर्न लगने के बाद अपनी बाइक दिख रही है कुछ ऐसी, ये देखो कैसे सुंदर से हॉर्न लग रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो खर्चा आया है वो कितना आया है। रूट्स के हॉर्न कॉस्ट की है मेरे को 1950 रुपीज़,
और जो इसको पीछे सपोर्ट करने के लिए पत्ती बनाई गई है वो आई है 50 रुपीज़ की। और एक जो ये स्विच बटन लगाया है जिससे कि ये चेंज हो सके, ये आया है 70 रुपीज़ का। और ये रिले 100 रुपीज़ की। और इसमें लगाई गई वायरिंग, दो सेट वायरिंग लगी है क्योंकि बड़े हॉर्न्स थे, तो ये जो वायरिंग आई है ये कॉस्ट करी है मेरे को 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ पर ईच, और 100 रुपये लिए हैं भैया ने, लगाने वाले ने। तो टोटल अराउंड ऑफ 2400 रुपीज़ का इसका खर्चा आया है, जिसमें 1950 रुपीज़ के हॉर्न है। और बाइक अब बहुत शानदार लग रही है, आप देख सकते हैं हॉर्न का। हालांकि मैं ये जो है सजेस्ट नहीं करता हूँ आप ये हॉर्न ना लगाएं, मुझे देखने में सुंदर लगते हैं, मैंने इसलिए लगाए हैं, बाकी मैं इन्हें बजाता नहीं हूँ। और मैंने भैया से एक जाली भी ली है इसको कवर अप करने के लिए, ताकि मुझे या आपको, आप भी ले सकते हैं वो जाली, ताकि और कुछ ऐसी लुक आएगी आपकी हॉर्न पर जाली लगाने के बाद। ये जाली कॉस्ट करी है मेरे को 50 रुपीज़ की पेयर, इसीलिए लगभग मैंने 2400 रुपीज़ भैया को पे किए हैं। और आपको ये बाइक कैसी लगी देखने में आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, और मेरी PPF वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा कि आपको बाइक पे PPF करानी चाहिए या नहीं, बाइक के लिए PPF अच्छी है या सेरेमिक, ये आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो उस पर भी बनाई हुई है। तो अभी आप सभी ने बात करी है रमन भैया से, और रमन भैया का नेचर देखते हुए ही मैं भी अपनी बाइक यहीं से ही करवाता हूँ सभी प्रकार की सर्विसेज वगैरह। अभी मैंने रूट्स के हॉर्न लगाए हैं, छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा रूट्स के हॉर्न में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, उससे आपको भी नॉलेज लग जाएगी कि रूट्स के हॉर्न के लिए आपको किस प्रकार की कुछ पत्तियाँ वत्तियाँ ये सब करना पड़ता है। घर में भी लगाना चाहते हो तो सिखा देंगे, समीर भाई ने लगाई है, पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप आराम से देखिएगा। और मैं इस वीडियो में बस यही कहना चाहूँगा एक बार रमन भैया की सर्विस भी देख लें अगर आप हमारे शहर से हैं तो। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सारी मॉडिफिकेशंस लोग दिल्ली तक जाते हैं, हर छोटे शहर में एक ना एक दुकानदार, एक ना एक गैराज वाला ऐसा है जो अपनी प्रॉपर सर्विस देता है, बस ढूंढने की देरी है। आपके लिए मैंने ढूंढ दिया है रमन भैया को, तो एक बार ज़रूर उनको चेक करें कि कैसी सर्विस है उनकी, एक बार उनकी प्राइसिंग ज़रूर चेक करें, क्योंकि मैं पर्सनली प्राइसिंग और सर्विस को बहुत अहमियत देता हूँ। तो मैंने तो चेक कर लिया है, अगली बारी आपकी है। थैंक यू, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब खैर, और मिलते हैं अगली वीडियो में।